फैसल अमीन गंडापुर साहब, आज इमरान खान साहब जनाब टांक और डेरा इस्माइल खान भी गए और वहां पे जो सैलाब जदगान को जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की। आप भी साथ थे, आप मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के पीके के। व्हाट एग्जैक्टली हैज खान साहब कम अप विद? क्या कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई ऐसी चीजें उन्होंने रिलीफ के लिए, सैलाब जदगान के लिए कोई ऑर्डर्स पास किए या केपीके गवर्नमेंट को कोई इंस्ट्रक्शंस दी उन्होंने? सर, डेरा इस्माइल खान और टांक में इस वक्त तकरीबन 75% जो लैंड मास है वो सारे का सारा अंडर वाटर है। 160 के करीब हमारे देहात मुकम्मल वॉश आउट हो चुके हैं। लैंड लिंक जो रोड के हैं हमारे वो कट चुके हैं। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिजास्टर हिट और इमरजेंसी का एक नोटिफिकेशन हुआ था। तो खान साहब बेसिकली हमारे जो हमने रिलीफ कैंप सेटअप किए हैं, जिन लोगों बेचारों के घर तबाह हो चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में उनके लिए रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप वगैरह लगे हैं, जहाँ पे फैमिली उनको खाने वाने का और उनका मेडिकल मेडिकल का बंदोबस्त है। बेसिकली खान साहब उनकी उपस्थिति के लिए आए थे और उन्होंने हिदायत यही हमें दी है कि जितना मैक्सिमम आप रिलीफ एफर्ट्स को तेज कर सकते हैं और जो भी आप रिसोर्स उसके लिए मोबिलाइज कर रहे हैं आप उसको फुल स्पीड करें। तो इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगी हुई है, अनप्रेसिडेंटेड है, 2010 से ज्यादा सीवियर है इस जोन के लिए, स्पेशली फ्लड का जो है, क्योंकि कोहे सुलेमान का जो सारा जी एरिया है उधर से ज्यादातर ये फ्लड आए हैं। अच्छा। और स्पेशली टांक हिट हुआ है, डायरेक्ट मैदान के बहुत सारे देहात हैं जो बिल्कुल अब नहीं है। तो उसमें हमें रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पे बोट्स में हम राशन पहुंचा रहे हैं और लोगों को, फैमिलीज को, बच्चों को वहां से निकाल रहे हैं। तो इस वक्त हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मल्टीपल जगहों के ऊपर कैंप एस्टेब्लिश हैं, लोगों को उनके जो टूटे फूटे घर हैं उधर से निकाल के कच्चे वगैरह में उनको मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा रहे हैं ताकि एटलीस्ट इंसानी जाने बचा सकें। और उसके बाद डेफिनेटली रिहेबिलिटेशन का जो फेज है उसके लिए खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि तेज से तेज आप रिहेबिलिटेशन का भी प्रोसेस आप फिर रवाना करें। सबसे मुश्किल काम जो है वो गंडापुर साहब होता है रिहेबिलिटेशन का, सो उसके लिए कोई आपके जहन में या आप लोगों ने कोई तैयार किया हुआ प्लान? जी बिल्कुल जी, रिहेबिलिटेशन का इस वक्त तो जी हमारी इमरजेंसी लगी हुई है रेस्क्यू की, वी हैव टू सेव लाइफ। लोग फंसे हुए हैं अब भी हमें, मतलब है जो है कॉन्स्टेंटली मुख्तलिफ जगहों पे कॉल आती है, मिसाल के तौर पर या कोई मैसेज आता है कि वो एक फैमिली है फिलानी जगह पे वो फंसी हुई है, तो हम बोट में या किसी भी तरीके उनको निकालते हैं और उनको महफूज मकान पे लाते हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफकोर्स टाइम टेकिंग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसके लिए रिसोर्स खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो डिस्पोजल पे कर दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। उसमें एनालिसिस हमने करना है कि कितना नुकसान हुआ, जो डेड और इंजर्ड हैं उनको तो हम फौरन कैश मतलब जो वो है उनकी कंपनसेशन वो हम उनको दे रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं जिनके नुकसान हैं उनकी असेसमेंट भी साथ साथ शुरू है। लेकिन आपको पता है इमरजेंसी में पहले हम जाने बचाने वाले मिशन पे हैं, प्रॉपर्टीज का जो लॉस है इंशाल्लाह उसकी कंपनसेशन का और उसकी रिहेबिलिटेशन का भी प्लान हमने वर्कआउट किया हुआ है।